सब्सक्राइब करें हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और बेल आइकन दबा कर पाएं सभी नोटिफिकेशन। सीएम मनोहर लाल की अध्यक्षता में सोमवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई, जिसमें कुल 42 एजेंडों पर मुहर लगाई गई। सीएम मनोहर लाल ने बैठक के बाद पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि कैबिनेट बैठक में पिछले 3 महीने के 42 मुद्दे रखे गए, जिसमें 10 के करीब प्रमुख मुद्दे एजेंडे रहे हैं। सीएम ने बताया कि किसानों की स्टाम्प फीस को कम किया गया है। इसके अलावा यूट्यूब वेब के लिए हरियाणा सरकार एड की पॉलिसी बना रही है। इसके अलावा लॉकडाउन के दौरान बहुत से वाहन चालकों ने अनुशासनहीनता दिखाई, जिस पर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी द्वारा 7,000 चालान किए गए। इसके अलावा कालका पिंजौर को पंचकुला नगर निगम से बाहर करने का फैसला किया गया। अब कालका नगर परिषद का चुनाव अलग होगा। स्टैम्प ड्यूटी का रेट जो बैंक से लेन देन होता है, खास करके किसानों का, तो इंडियन स्टैम्प एक्ट के अंतर्गत जो उनके छोटे छोटे डॉक्यूमेंट्स की फीस थी, वो मिनिमम फीस 2,000 रुपये थी। लेकिन जब ये लगा कि या तो किसी गलती से हुआ है वो, या कोई और सोच रही होगी उस समय, लेकिन 2,000 ज़्यादा था, पहले कभी बहुत कम होती थी, तो अब उसको वापस 2,000 से कम करके 100 रुपया कर दिया है। कोविड में बहुत से वाहन चालकों ने कुछ डिसिप्लिन को तोड़ा, छोटे बड़े हर प्रकार के चालान किए गए, स्कूटर्स के, मोटरसाइकिल के, कारों के, बड़े वाहनों के, बड़ी संख्या में पुलिस के द्वारा भी चालान हुए, ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा भी हुए। तो ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी के द्वारा चालान किए गए उसमें लगभग 7,000 ऐसे वाहन, इनको वैसे तो जुर्माने बहुत ज़्यादा बनते हैं जो प्रेस्क्राइब्ड रेट्स हैं, लेकिन उसमें रेट्स कम कर दिए गए हैं। अब स्कूटर का 500 रुपये, कार जीप का 1,000 रुपये और ट्रांसपोर्ट व्हीकल जो बड़े हैं उनका 2,000 रुपये, ये रेट करके एक कंपाउंडिंग फीस एक लमसम करने के बाद ऐसे 6,500 वाहनों को रिलीज करने के लिए एक प्रस्ताव ये हमने पारित कर दिया है। सोशल मीडिया में जैसे यूट्यूब चैनल्स हो गए हैं, या क्या उसको बोलते हैं, वेब चैनल हो गए हैं, तो इनके ऊपर एडवर्टाइजमेंट की कोई पॉलिसी भी सरकार की क्लियर कट नहीं थी। उन लोगों की एक डिमांड भी थी कि भी आखिर एडवर्टाइजमेंट हमें भी मिलनी चाहिए, जैसे चैनल्स को मिलती है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को मिलती है, उसी प्रकार से वेब चैनल्स को, यूट्यूब्स को, इनको भी मिलनी चाहिए। तो उसकी आज एक पॉलिसी बना दी है ताकि उनको भी इसका लाभ, जो सरकारी लाभ है, वो मिल सके।